नमस्कार, आप बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। आज कैंसर डे है और इस मौके पर पटना में एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसमें तेजस्वी यादव पहुंचे थे। और जब उनसे उपेंद्र कुशवाहा को लेकर सवाल पूछा गया, तब कहीं ना कहीं सवालों से बचते हुए नजर आए, लेकिन इतना उन्होंने ज़रूर कहा कि बिहार की जनता समझदार है और सब समझ रही है। इसके अलावा उन्होंने बिहार की जनता के लिए एक खुशखबरी भी दी कि अब कैंसर की जो दवाएं हैं वो बिहार के सरकारी अस्पतालों में मुफ्त में मिल सकेंगे। इसको लेकर तेजस्वी यादव क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं, आप पहले देखिए। अरे, कैंसर जो है हर साल बिहार में जो है लगभग 1.5 लाख के आसपास होता है, और कैंसर का इलाज जो होता है बहुत महंगा होता है। इसके लिए जो कैंसर की जो दवा है वो हम लोगों ने ड्रग लिस्ट में जो है इंक्लूड किया है, ताकि लोगों को जो है इसका दवा जो है निःशुल्क उपलब्ध हो पाए। गरीब जो ज़मीन ज्वेलरी बेच करके जो ये करते हैं, और साथ ही साथ इसके लिए हम लोगों ने 6 मेडिकल कॉलेजेस जो है वहाँ इसके लिए हम लोगों ने दिया है, ताकि उपचार हो। और जितने भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं 38, वहाँ भी इसका जो है उपचार, डिटेक्शन का जो केमियोथेरेपी के जो सर्विसेज वगैरह होते हैं, पार्लियामेंट्री के जो सर्विस होता है वो हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं। आप कुशवाहा जी का सवाल कर रहे हैं, कुशवाहा जी जैसे सब बोल रहे हैं, आपको लगता है कि गठबंधन को कमजोर कर रहे हैं? कौन? उपेंद्र कुशवाहा जी जिस तरीके से बोल रहे हैं पिछले कई दिनों से, आपको लगता है महागठबंधन पर असर पड़ रहा है? समझने वाला सब समझ रहा है ना, बोलने की क्या जरूरत है? सब लोग जानते हैं कि पिछड़ों के लिए काम नहीं किया पिछले 30 सालों में। कोई 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 जस्टिफाई क्यों करना? सबको पता है क्या काम हुआ है, नहीं हुआ है कि नहीं। हम किसी के आरोप का जवाब जो है काम से हम लोग देते हैं, और काम हुआ है। कोई कुछ भी बोलता रहे, छोड़िए ना भाई, काहेला चिंता कर रहे। और बिहार के लोग राजनीतिक रूप से बड़े जागरूक लोग होते हैं, तो ये बात तो सब लोग समझते हैं। आपको लगता है इस क्रिप्ट को यहाँ से तैयार? अरे भाई, समझदार लोग समझ रहा है। तो आपने सुना कि कैंसर दिवस के मौके पर तेजस्वी यादव ने बिहार के लोगों के लिए एक खुशखबरी दी है कि अब कैंसर की जो दवा है वो मुफ्त में सरकारी अस्पतालों में मिलेगी। इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा को लेकर कहा कि इनके आरोपों पर मैं सफाई नहीं दूंगा, और लोग जो समझने वाले हैं सब कुछ समझ रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हम लोग आरोपों का जवाब जो है वो काम के जरिए देते हैं, और बिहार सरकार जो है काम करने पर विश्वास रखती है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि बिहार की जनता जागरूक है और सब कुछ समझ रही है। तो कहीं ना कहीं जहां तेजस्वी यादव सीधे तौर पर उपेंद्र कुशवाहा पर पलटवार करने से बचते नजर आए, वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा जो है लगातार अब जो है अपने ही सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। इसके अलावा नीतीश कुमार के कामों पर भी जो है कहीं ना कहीं अब सवाल उठ रहा है। तो अब देखना होगा कि उपेंद्र कुशवाहा का जो प्रकरण अभी बिहार में चल रहा है उसका अंत आखिर कैसे होता है। बहरहाल, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत कर लें। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। धन्यवाद।